I know this is not our story time setup. Also, आज है मम्मा मेड का बर्थडे. Thank you. उनके चैनल पर जाके उनको विश करो because she gets really happy when her views and subscribers go up. So as a birthday gift, you can subscribe to her channel. Link पहले ही line में है description. Thank you. I know this is not our usual story time setup, but मैं actually ready हो रही थी to go for a meeting for this secret project. तब मुझे strike हुआ कि I have to tell you this story. मैंने tone कर लिया है तो मैं अभी सिर्फ moisturize कर रही हूँ मेरा face. तो ये story है कुछ 2-3 हफ्ते पहले की. It started with my mom waking me up एकदम जोर से कि Haley, you won't believe what happened. और मेरी फट गई ये सोच के कि someone in our family has suffered with the virus. क्योंकि ऐसे ही सब डर गए थे कि कुछ तो बहुत बड़ा हो गया है. एंड देन माय मॉम इज सेइंग कि दादी के अकाउंट से मैसेज आया है फेसबुक पे. एंड मैं एकदम गहरी नींद में मैं सोच रही हूँ कि दादी के अकाउंट से मैसेज कैसे आ सकता है. सो फॉर ऑल द न्यू फैमिली मेम्बर्स, माई ग्रैंड मदर, आर ग्रैंड मदर पास्ड ऑन फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3 years अगो. आई नो कि फेसबुक से मैसेज आने के लिए यू हैव गॉट टू बी इन द फिजिकल वर्ल्ड, हाउ कैन दैट वर्क. बट मैं इतनी नींद में थी, आई एम लाइक रुको मैं देखती हूँ, बिकॉज आई फिगर्ड कि दिस इज अकाउंट हैकिंग, दिस देयर इज नो अदर वे, अकाउंट हैक हुआ है उनका. तो आई सेड जस्ट लेट मी स्लीप फॉर 5 more minutes, मैं उठ के देख के देती हूँ. तो मैं सो के जब उठी तब मैंने चेक किया तो द पर्सन हु हैड हैक्ड हर अकाउंट वॉज आस्किंग पीपल फॉर मनी. इट वॉज जस्ट सो सिक एंड नॉट जस्ट वन पर्सन, to almost her whole friend list. And you know what is more messed up, वो उस ही लैंग्वेज में उस ही तरीके से बात कर रहे थे जैसे दादी एक्चुअली फेसबुक पे बात करती थी. एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि दिस कैन नॉट बी अ पर्सन. एक पर्सन इतना एक्यूरेटली कैसे टाइप कर सकता है, कैसे ढूंढ सकता है. तभी आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स, दे सेड कि इट इज़ नॉट अ पर्सन, इट्स अ कंपनी, एज इन इट्स अ बॉट. बहुत बड़े लेवल पे ये चल रहा है और हज़ारों लाखों लोगों का अकाउंट ऐसे यूज़अप हुआ है. तो तुम टेंशन मत लेना, बस लिप बाम लगा रही हूँ, और टेंशन मत लेना, बस फटाफट रिपोर्ट करो. और जितने लोग रिपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ सबको रिपोर्ट करने बोलो, सो दैट दिस अकाउंट इज टेकन डाउन. बिकॉज वेन यू आर फ्रेंड्स विद समवन ऑन फेसबुक तो काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है उनको. तो दादी का अकाउंट तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है, तो इट इज़ नॉट सेफ फॉर आवर डिटेल्स टू ऑल्सो गो टू दैट पर्सन. तो हम सब मैंने इंस्टाग्राम पे तुरंत डाल दिया था स्टोरी के फॉर्म में कि प्लीज़ हेल्प अस टू टेक दिस अकाउंट डाउन, लेट्स रिपोर्ट दिस अकाउंट. एंड thousands of people reported this account, but still nothing happened. Like Facebook को थोड़ा तकलीफ हो रहा था because of COVID. उनका जो स्टाफ है कम था, मतलब जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तभी भी हमको कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट गोना बी आवर प्रायोरिटी बिकॉज वी हैव अ लॉट मोर अदर थिंग्स वी डीलिंग विद एंड स्टाफ बहुत कम है. तो आई अंडरस्टैंड फेसबुक इज़ कमिंग फ्रॉम, बट मैंने एक कंप्लेंट भी फाइल की थी विद द साइबर पुलिस. आई एम येट टू चेक कि उनका रिप्लाई आया है कि नहीं आया है. What they told our relatives on Facebook via the chat. Hi, कैसे हो? मुझे urgent पैसे की ज़रूरत है. And the relatives, all Dadi's friends know that she's not in the physical world, she's in the spiritual world. So they kept asking that, who are you operating her account? कि आप कौन हो जो उनका account use कर रहे हो? So maybe the relatives must have thought कि it's some family member only. I don't know what उनके दिमाग में क्या चल रहा था, but they kept asking कि आप कौन हो. And some relatives asked कि आप बीजल या दिव्या हो क्या? And बीजल and दिव्या are my moms, like my mom and mother's mom. So they were replying also हाँ, like मैं यही हूँ. It's just it was so messed up and they like कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप क्या यूज़ करते हो? NEFT, Paytm, Google Pay, आप जो यूज़ करते हो मैं आपको देने को रेडी हूँ, बट प्लीज़ आप मुझे अभी ट्रांसफ़र करो. ऐसे बात कर रहे थे वो चैट पे. वन पर्सन वॉज लाइक हाँ मैं Paytm कर देती हूँ, तो आप आपका नंबर दे दो. उन्होंने नंबर भी दिया जो इंडियन नंबर था, एंड वो सर्च मारने पे आशा देवी के नाम से पॉपअप हो रहा था ऑन ट्रू कॉलर और समथिंग. एंड भाई मैंने तो ट्रू कॉलर भी हटा दिया है, मेरे को कोई ऐसा रिस्की चीज़, मैं तो ये ट्रू कॉलर यूज़ करती नहीं थी, बट माई फैमिली ऑल्सो आई मेड देम ऑल्सो डिलीट ट्रू कॉलर कि मत करो, बिकॉज व्हेन वी चेक दैट पर्सनस नेम उनके पास भी हमारा डिटेल्स जाता है ना कि ओ सो एंड सो पर्सन सर्च फॉर यू। तो मैं चाहती ही नहीं कि हमारा कुछ भी जाए उनके पास। बाय द वे गेट रेडी विथ मी कि मैं पूरी वाट लगा चुकी, कुछ किया नहीं है, बाल तो बना लूँ बट आवाज़ आती है इसमें। हाँ, आशा देवी के नाम से आ रहा था। दैट्स ऑल द रिसर्च वी कुड डू एट आवर लेवल। बट अगले दिन सुबह सुबह हमको फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है, आपको पैसे की ज़रूरत है क्या, कौन ये अकाउंट यूज़ कर रहा है। एंड मेरे फैमिली में सब की फट गई कि क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, आर दे गोइंग टू स्टील फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स ऑल्सो लिंक्ड एंड ऑल। इट वॉज जस्ट वेरी 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 स्कैरी फॉर एवरी वन। वी हैड टू पुट आउट पब्लिक मैसेजेस के द अकाउंट हैज़ बिन हैक्ड, प्लीज डू नॉट रिप्लाई टू देम एट ऑल। आई थिंक द अकाउंट इज स्टिल अप, वी हैव डन एवरीथिंग। इतना मास रिपोर्टिंग किया है हमने, पर्सनली सबको बोल दिया कि ब्लॉक द अकाउंट। इट पिंच्ड मी सो मच दैट I could not even have her Facebook account for the memories because there's just so many amazing photos. मैंने ब्लॉक करने के पहले सारे फोटोज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया so that I have all of them. But it was just मुझे उल्टी आ रही थी ये सोच के कि how can anyone use someone's account like this? मतलब the person has moved on from this world to make it sound more to the point. अ डिसीज्ड पर्सन का अकाउंट तुम कैसे पैसा ऐंठने के लिए यूज़ कर सकते हो, इतने कैसे कर सकता है कोई इंसान। बट हमारे आंखों के सामने ही है, हो रहा है ऐसा, कर रहे लोग ऐसा। तो वो ही सोच के मुझे उल्टी आ रही थी कि हाउ, वाई इज समवन डूइंग दिस टू अ पॉइंट वेयर आई हैव टू प्रूव दैट माई ग्रैंड मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड देन हर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। बिकॉज ऐसा भी कुछ सिस्टम है फेसबुक में कि डेथ सर्टिफिकेट अगर तुम उनको दिखाओ तो कर देते डीएक्टिवेट इफ़ यू वांट और दे मेक इट अ मेमोरियल अकाउंट। आई डिड नॉट वांट टू डू दैट बिकॉज दिस पर्सन ऑलरेडी हैड सो मेनी डिटेल्स। एक और मैं उनको डिटेल दूँ हमारे बारे में, मुझे देना ही नहीं था। We went for mass reporting, although that didn't do anything it seems like now. But this is how the account got hacked. We literally did nothing. हमें password भी नहीं मालूम था. Actually, I had only set it up for her, but मुझे नहीं आता password अब. तो I could not access the account and obviously उन्होंने किया होता change password तो hack करने के बाद। तो टिक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है प्लीज़ तुरंत पहले साइबर पुलिस में रिपोर्ट करना। बट आई थिंक दैट इज़ द सेफेस्ट वे। ये रिपोर्टिंग से मुझे पर्सनली कुछ रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है। एंड एकदम ही ध्यान रखो अपने डिटेल्स का, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, पूरा टाइम सुनते हैं वो लोग हमारी बात, मालूम है। बिकॉज अगर आप फ़ोन पे बोलते हो हे सीरी या हे गूगल, हाउ डू दे लिसन टू दोज टू वर्ड्स ओनली, क्योंकि उसके लिए उनको पूरा टाइम आपकी बातें सुननी पड़ती हैं। एंड द सेकेंड यू से हे सीरी और हे गूगल, दे गो लाइक यस, बट दे लिसनिंग टू यू ऑल द टाइम। वो लोग बस जवाब नहीं देते अंटिल यू कॉल देयर नेम। तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, वो तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। एवरी सिंगल थिंग दैट यू स्पीक, दैट यू सी, दैट यू डू, दे हैव योर इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही ध्यान रखो अपने इन्फॉर्मेशन का, हो सके उतना अलाउ मत करो। कैमरा और ऑडियो और लोकेशन ये सब ऑफ करके रखो एप्लीकेशंस के लिए। टेक एज मेनी प्रिकॉशंस एज यू कैन बिकॉज दिस इज़ वेरी सेंसिटिव डेटा। थोड़ा और कर लूँ मैं, गेट रेडी। मैंने लाई तो थी कंसीलर, आई एम नॉट इन द मूड टू अप्लाई कंसीलर। हमने मेरे को मेरे डार्क सर्कल से शर्म नहीं आती, मैं क्यों उनको छुपाने बैठूँ। जस्ट गोना डू सम पाउडर बिकॉज इट मेक्स माई अंडर आईज फील गुड, वेरी गुड। कि वरना मुझे खुजली आने लगती है इफ इट स्टेज वेरी ऑयली। तो कमिंग टू द सीक्रेट प्रोजेक्ट, दिस थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन, इट्स बिन माई ड्रीम सिंस years, even before I became a YouTuber. This is something that I've always wanted to do and a very very close person to me also shared the same dream. So we are doing it together and it's going to be out very soon. I think in less than 10 days it's going to be out and you are not ready for it because even I'm not ready for it. It's going to be the biggest thing I do this year. The biggest. For me it's even bigger than Alpha. So yeah. बस अपने आशीर्वाद ऐसे ही देते रहना, support करते रहना। आ जाएगा, बहुत जल्दी आ रहा है ये प्रोजेक्ट बाहर। इट्स आई एम गोना गिव यू अ फ्यू हिंट्स। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ वीडियो, इट्स समथिंग एल्स। तो बस उसी के लिए अभी एक मीटिंग के लिए जाना है। विदाउट मिरर मेकअप चैलेंज कर रहे हैं अभी तो। ईयररिंग्स और क्या, बस यही था। आपके परिवार को मेरे तरफ से बहुत सारे वार्म हग्स। सेफ रहो, हैप्पी रहो, और मम्मी को विश करना भूलना नहीं है। लेट्स ट्राई एंड गिफ्ट हर 1000 सब्सक्राइबर्स टुडे। शी इज बीन वेटिंग टू क्रॉस दैट मार्क। Oops, phone baj raha hai. I'm gonna go get that. I think I'm gonna be a little late for the meeting. I'll see you very soon in a brand new video. Until then, goodbye.